वहाँ जाके हमने देखा कि वो डाया बाई का खेत था, वो हरा भरा था और इसके कोने में ही एक व्यक्ति पर भैंस को विषाक्त पदार्थ खिलाकर मार देने का लगा आरोप। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत डोला निवासी महेंद्र कुमार खाट ने ठाकरड़ा के एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए बताया कि कल उसकी चार भैंसें ठाकरड़ा के तालाब में पानी पीने गई थी। इसके बाद तीन भैंसें घर को लौट आई लेकिन एक भैंस नहीं आई, जिस पर उन्होंने तलाशी ली तो पाया कि आरोपी व्यक्ति के खेत से ट्रैक्टर के पहिए के निशान बने हुए हैं और तालाब के पास में ट्रैक्टर के निशान पहुंचे वहां उनकी भैंस मृत अवस्था में मिली, जिसके आगे विषाक्त पदार्थ की शीशियां पड़ी हुई थी, जिस पर उन्होंने पुलिस थाना सागवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इस दौरान समाज सेवी कचरा मालीवाड़ ने कहा कि आरोपी व्यक्ति के खेत में हरा चारा था और वहीं से इस भैंस को घसीटते हुए ले जाया गया, अतः उन्हें आशंका है कि उन्होंने इस भैंस को विषाक्त पदार्थ दे दिया जिससे उसकी मौत हुई है। अगर उन्हें शिकायत थी तो इस विषय को लेकर भैंस के मालिक से बात कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना सागवाड़ा थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने जांच अनुसंधान प्रारंभ कर दी है। हाँ बताइए क्या मामला है। हाँ, कल 9 बजे हमारी भैंसे पानी नहीं था, पानी के लिए ठाकरा तालाब में पानी के लिए पीने के लिए छोड़ी थी 9 बजे, तो वापस 4 भैंसे थी, इसमें 3 भैंसे 3 बजे के बाद आ गई, शाम को आ गई, इसके बाद एक भैंस नहीं आई तो हमने देखा तो पानी पी की तालाब ठाकरा जो तालाब है वहाँ देखते देखते वापस नाले में आए तो हमको वो भैंस वहाँ पड़ी मिली जिसमें पाटीदार ठाकरा का है दयालाल पाटीदार सन ऑफ धूड़ा ठाकरा के खेत में ट्रैक्टर द्वारा उसको घसीट करके ले जा करके नाले में डाली हुई हमको वहाँ पर मिली। हाँ, और दवाई की 3 शीशा भी उसके आगे पड़ी हुई मिली, भैंस के आगे मिली। हाँ, जिसमें हम ये चाहते हैं कि एसी ने कई जगह नुकसान किया इन पाटीदारों ने। ये भैंस जहाँ पर मरी हुई थी वहाँ पर दवाई की शीशा, हाँ उसके मुंह के पास दवाई 3 शीशा पड़ी हुई दवाई की मुंह के पास में, हाँ घसीट के ट्रैक्टर द्वारा घसीट के ले गई और वहाँ पर डाली हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसकी बिल्कुल न्यायिक जाँच की जाए। इस मामले को लेकर आपने पुलिस में मामला दर्ज? हाँ, इसमें पुलिस में सागवाड़ा थाना में हमने हाँ न्याय जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी? पुलिस ने अभी तक न्याय के लिए अभी आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भी उन्होंने कहा तो अभी तक कोई आया नहीं है कि इसकी विधिवत जाँच की जाए और कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार खान, निवासी डोला। धन्यवाद। मौके पर क्या देखा, किस तरह का मामला है? हमारी ग्राम पंचायत पाडला हंडिया डोला गांव का मामला है। वहां जाके हमने देखा कि वो डाया बाई का खेत था, वो हरा भरा था और इसके कोने में ही घिसड़ कर ट्रैक्टर द्वारा नाले में ले जाके डाल भैंस वहां सूजन आ चुका था। इसलिए हम ये जानते हैं कि कल शाम तक इसे हुआ और हम पाटीदार डायलाल को ये कहना चाहेंगे कि आपके मार्फत से कि इनको ऐसा था ने कुछ खा गई हो तो इनको बताना था कि भाई ये भैंस है किसी की हो तो ले जाओ। इस तरह से पशुओं के क्योंकि पानी की इस साल पानी की बहुत समस्या थी और चारे की भी समस्या थी तो इनको अवगत कराते थे ले जाते और खा जाती थे दंडित करते, लेकिन इस तरह से पशुओं को मारने का किसी का कोई हक नहीं। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।